हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एंड्रॉइड टेक्ट्रिक्स चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जुरासिक पार्क वारपाथ गेम लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये PS1 का गेम है। दोस्तों जैसा कि आप मेरे एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन पे इस गेम का गेम प्ले देख सकते हैं, दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गेम है, आप सभी को भी गेम खेलने में मजा आ जाएगा। दोस्तों गेम का साइज आपको 290 MB की फाइल मिल जाती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मीडिया फायर का लिंक दिया है, आपने वहां पे जाकर गेम की फाइल को कर लेना है डाउनलोड। बाकी का स्टेप मैं आपको बाद में बताता हूं, उससे पहले आप यहां पे गेम प्ले देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको डायनासोर के बीच में फाइटिंग करनी होती है, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त गेम है। दोस्तों आपको इसमें बहुत सारे मिशन मिल जाते हैं एक से एक बढ़कर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने जुरासिक पार्क वारपाथ किस तरह से प्ले करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले तो आपने गेम की फाइल को कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। उसके बाद आपने प्ले स्टोर से जेड आर्चीवर नाम की एप्लीकेशन को कर लेना है इंस्टॉल। दोस्तों 2-3 MB की एप्लीकेशन होगी, एक्सट्रैक्टिंग के काम आती है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप जेड आर्चीवर को ओपन कर लीजिए। ओपन होते ही आपने उस फोल्डर पर जाना है जहाँ पर भी आपने गेम की फाइल को किया होगा डाउनलोड, तो आप उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की फाइल मिलेगी, इस पर लिखा होगा विनय जुरासिक पार्क वारपाथ। आप देखते हैं PS1 का गेम है, 292 MB इसका साइज होगा। अब आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इस फाइल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपने सेकेंड ऑप्शन पर भी क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट हियर, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप पे यहाँ पे कीप द स्क्रीन टर्न ऑन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपका एंड्रॉइड फोन ऑफ ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपका 10 मिनट या 5 मिनट लग सकता है, तो आपने वेट करना है जब तक पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट ना हो जाती। तो दोस्तों यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी फाइल हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। आपको इसके अंदर से 3 चीज़ें निकलेगी। एक तो आपको गेम की फाइल मिलेगी जिसका साइज 653 MB हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे एमुलेटर मिल जाता है और एक आपको गेम का बायोस फाइल मिल जाता है। अब आपने दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आपने सिर्फ एमुलेटर को ही इंस्टॉल करना है। जो आपको इसके अंदर से EPSXE PS1 का एमुलेटर मिल जाता है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद आप इस एमुलेटर को इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों यहां पे बाकी का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपने करना क्या है, आप अपनी होम स्क्रीन पे जाइए। होम स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों अब आपने EPXE PS1 के एमुलेटर को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे रन बायोस पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार इस एमुलेटर को ओपन कर रहे हैं तो आपने रन बायोस पे क्लिक कर लेना है। मैं नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी रन बायोस पे क्लिक कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपने पहले बटन पर क्लिक करना है रन गेम पे। दोस्तों जैसे ही आप रन गेम पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे गेम को ले आएगा। जहाँ पे भी आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गेम को सर्च करके यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद जैसे ही आपको यहाँ पे गेम आ जाती है तो आप इस गेम पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेम शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको छोटा सा गेम प्ले फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जुरासिक पार्क वारपाथ गेम ओपन हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ गेम ओपन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सबसे लास्ट पे जाना है और एक्स बटन पे टैप कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ से आप डायनासोर को चूज कर सकते हो, जो भी आप डायनासोर रखना चाहते हो। उसके बाद आप एक्स बटन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से बहुत ही प्यार के साथ आप गेम खेल सकते हो जुरासिक पार्क वारपाथ। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही होगी, अगर आप स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो। दोस्तों बड़ा करने के लिए आपने यहाँ पे बैक जाना है। आपने बैक जाने के बाद मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वीडियो सेटिंग में जाना है। वीडियो सेटिंग में जाने के बाद आपने स्क्रीन रेशो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस गेम का मजा ले सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हर रोज न्यू इंटरेस्टिंग न्यू गेम की वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको डायनासोर को मारना होता है, फाइटिंग करना होता है। आप देख सकते हैं गेम प्ले। दोस्तों यहां पे मैं आपको इस फाइल का प्रूफ भी बताता हूं। तो मैं यहां पे
उस फाइल का आपको प्रूफ बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो फाइल थी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और व्यू करता हूँ। इसके अंदर आपको यही तीन चीज़ें मिलेंगी जो आपके सामने मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको बता दिया था। दोस्तों जो ये गेम की फाइल है इसकी एक्सटेंशन .bin होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।